मेरे चैनल पर मैं ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करूं जो कि अफोर्डेबल हो दूसरा गुड क्वालिटी हो ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके हर कोई उसको यूज कर सके कुछ टाइम पहले मैंने कॉस्मेटिक की सुपर स्टे लिपस्टिक का रिव्यू किया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और मुझे कई सारे कॉमेंट रिसीव हुए थे कि जो इंसाइड कॉस्मेटिक के और भी लिप प्रोडक्ट है उनको भी ट्राई करो सो मुझे लगा चलो इस बार लिप क्रियन ट्राई करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इन लिप क्रियॉन के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूं सो विदाउट एनी फोर्ड लेट्स मूव ऑन टू ऑल राइट जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये इनसाइट कॉस्मेटिक मेगा लास्ट क्रेन लिपस्टिक जिसका प्राइस है टू फिफ्टी फाइव रुपीज जिसमें आपको मिलेगी वन पॉइंट थ्री ग्राम्स की क्वान्टिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है थ्री ईयर्स की इसमें टोटल ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स शेड्स लॉन्च हुए हैं बट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेवन शेड्स हैं क्योंकि सारे शेड्स लेना पॉसिबल नहीं है बट जो भी शेड्स मेरे पास हैं मैंने बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया है मैंने इस तरह के शेड्स लिए हैं जो कि अब अभी तक मेरी कलेक्शन में नहीं थे या जो मुझे यूनिक लगे या जो हर स्किन टोन पर चले जाए मैंने इस तरह के शेड सेलेक्ट किए हैं कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होंगे और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की वाइट कलर की रिट्रैक्टेबल पैकेजिंग है जस्ट आपको ऐसे ट्विस्ट करना है एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा इसके पीछे आपको एक शार्पनर भी मिलेगा अगर आपको शार्प करना है तो इससे शार्प कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग के बैक पर और इसके इनर पैकेजिंग के स्टिकर पर मिल जाएगी लाइक like इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट शेड नेम सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आउटर पैकेजिंग संभाल के रखनी है और ये जो लिपस्टिक है ना ये एट आवर्स तक लास्ट करती है स्मच प्रूफ है ट्रांसफर प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ भी है वैसे इसमें कहीं मैंशन नहीं है कि ये वाटर प्रूफ है लेकिन मैंने टेस्ट करके देखा है ये बिल्कुल भी हटती नहीं है सॉफ्ट मैट फिनिश है इसकी आप देख सकते हैं बिल्कुल वो पाउडर मैट वाला जो फिनिश है वैसा नहीं है और ना ही इसमें कोई शाइन है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी फिनिश एंड वन स्वाइप में आपको पिगमेंटेशन मिल जाएगी इस तरह के क्रेन्स यूज़ करने का ना एक फ़ायदा और होता है कि आपको अलग से लिप लाइनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सम टाइम जब हम लिप लाइनर यूज़ करते हैं तो शेड का इशू हो जाता है हमें ढूंढना पड़ता है कि इस लिपस्टिक के लिए ये लिप लाइनर यूज़ करें या इसके साथ ये यूज़ करें बट इस तरह के जो लिप क्रियॉन होते हैं उनकी टिप काफी ज़्यादा फाइन होती है आप चाहें तो पहले उससे लिप्स को अपने कॉन्ट्रोल कर सकते हैं देन सेम लिप से आप उसको फिल कर सकते हैं एंड जब मैं यहाँ पे कर रही थी ना तो आप देखेंगे कि मैं बार बार इस तरह से ग्लाइड कर रही हूं मुझे लगा कहीं आप लोग ये ना सोचें कि ये पिगमेंटेड नहीं है लेकिन ये बहुत पिगमेंटेड है मैं इसलिए इस तरह से बार बार ग्लाइड कर रही थी ताकि थोड़ा सा वाइड सॉच हो और आपको सारी चीजें क्लियर दिखे इसके जो कलर्स हैं वो क्लियर आपको दिखे मैं जब भी करती हूँ हमेशा नेचुरल लाइट में करती हूं ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो और अब हम ना इसके देख लेते हैं। अच्छा और आपको आराम से टू हंड्रेड के अराउंड मिल जाएगी पहला जो शेड है वो है जीरो टू टेक इट स्लो ये जो शेड है ना जो ऑरेंजिश रेड होता है जिसको ब्रिक रेड या रेड बोलते हैं उस तरह का शेड है अगर अगर आपकी स्किन फेयर है तो उस पर काफी सुंदर लगेगा लेकिन साथ के साथ अगर आपकी स्किन मीडियम है या डस्की है तो ये उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मेरे फेस पर एक ब्राइटनेस आ गई एक चमक आ गई तो अगर आपका स्किन टोन मेरे से मैच करता है तो आराम से आप इसको ले सकते हैं दूसरा जो शेड है वो है जीरो थ्री ऑन माई वे ये जो शेड है इसमें पीच का हिंट है मतलब ये पीचिस न्यूड है इसको अप्लाई करने के बाद मुझे लगा थोड़ा थोड़ा सा ये मुझे वॉश आउट कर रहा है लेकिन अगर मैं इसको मेकअप के साथ अप्लाई करूंगी तो ये परफेक्ट लगेगा अभी मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है तो मे बी इस वजह से ये मुझे थोड़ा सा वॉश आउट कर रहा है लेकिन विदाउट मेकअप भी मैं इसको डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ अगर लगाऊंगी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा वो जो लगेगामरे इफेक्ट होता है ना वैसा इफेक्ट आएगा नेक्स्ट शेड जो है वो है जीरो फाइव वॉट्स डन इज डन और ये जो शेड है ना ये इसके पहले वाले शेड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है लेकिन उसमें पीच का हिंट था और इसमें पिंक का हिंट है तो मतलब ये पिंकिश न्यूड है और इसको भी अप्लाई करने के बाद मुझे ये ये चीज़ लगी कि थोड़ा सा मुझे वॉश आउट कर रहा है लेकिन रीजन वही है कि मेकअप के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा अभी मैंने मेकअप नहीं किया है एंड विदाउट मेकअप मैं इसको डार्क कलर के लिप लाइनर के साथ अप्लाई करूंगी एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है जीरो सिक्स हेड अब वॉटर और ये जो शेड है ना ये मरूनिश रेड है लेकिन प्रॉपर मरून नहीं है इसमें बेरी वाला थोड़ा सा इफेक्ट है मुझे काफी अच्छा रेड लगा मतलब बेरी मरून एंड रेड सब कुछ मिक्स है और ये जो शेड है ये भी मीडियम स्किन पे एंड डार्क स्किन पे डस्की स्किन पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा एंड फेयर स्किन पे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं ना उस पर भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि नीचे की पिगमेंटेशन को ये हाइट कर देगा और नेक्स्ट शेड जो है वो है टेन जम्पिंग द लूप्स ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी यूनिक लगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे जो जो 90s में हीरोइन यूज़ करती थी जो वो रेट्रो वाला ब्राउन वाला लुक आता था आ, अगर आप लोगों को याद हो तो उस तरह का आ गया है मेरी कलेक्शन में इस वजह से मैं काफी खुश हुई इस शेड से और ये मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है आई एम ये जो शेड है, है लेकिन इसमें भी मरून का हिंट है डार्क रेड warm रेड ऐसा रेड है एंड इसका जो नाम है वो बिल्कुल मेरे से opposite है आई डोंट नो ये नाम क्यों रखा है इस शेड का आई थिंक ये शेड काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है इस वजह से इस तरह का नाम इसका रखा है एंड ये शेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब अगर आपकी स्किन मेरे स्किन टोन जैसी है ना तो इस शेड को ज़रूर एक बार ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है ये एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है थर्टीन वेट फॉर नन और ये शेड पिंकिश न्यूड है अगर आपकी स्किन फेयर है तो बिल्कुल परफेक्ट न्यूड है आपके लिए बट अगर आपकी स्किन मीडियम है या डस्की है मेरे जैसी है तो ये आपको वॉश आउट कर सकता है विद मेकअप विदाउट मेकअप वॉश आउट करेगा बट इसके साथ अगर आप एक डार्क कलर का लिप लाइनर अप्लाई करेंगे तो परफेक्ट होगा मैं हमेशा यही करती हूँ जो भी शेड मेरे पे लाइट होता है मैं उससे एक शेड डार्क लिप लाइनर यूज़ करती हूँ एंड वो परफेक्ट होता है एंड मैंने इसको यहाँ पर टेस्ट करके भी दिखा दिया बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है ना ही ये स्मज होती है अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन लिप लिपक्रियन्स के बारे में फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और अगर आपको इनमें से कोई सा भी लिप लिपक्रेन ट्राई करना है तो इन सबके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से परचेज कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर